हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलास किचन। में आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल की चिकन कढ़ाई। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये किस तरह से बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए ये 1 kg हमने ले लिया है चिकन, इसको हमने छोटे टुकड़ों में कट करवा लिया है। और ये नमक लिया है हमने तकरीबन 1 tablespoon है। हरी मिर्चें ले ली हमने, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। और 4 बड़े टमाटर हैं जिनको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और हमने लिया है 1/2 cup दही। और 1 tablespoon हमने ले लिया है इसमें चाट मसाला। 1 tablespoon लिया है साबित धनिया कुटा हुआ। और हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी हमने कूट लिया है। 1 cup चाहिए हमें ऑयल। और 1 tablespoon हमने लिया है कुटी हुई मिर्च। इसमें 2 tablespoon हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें गार्निशिंग के लिए जाएगा हरा धनिया। और ये अदरक कुटी हुई बारीक कटी हुई अदरक है। और ये हमने 2 tablespoon इसमें ले लिया है कसूरी मेथी। सबसे पहले हम डालेंगे एक पैन में ऑयल, तकरीबन 1 cup के करीब हमने ऑयल ले लिया है इसमें। के बाद हम डालेंगे ये चिकन इसके अंदर। चिकन डाल के हम इसको फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक ये चिकन का पानी खुश ना हो जाए। अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। हमने उस वक्त फ्लेम जो है हाई की ली है, हाई फ्लेम में हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये हमने 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में फ्राई किया है ऑयल में। ये देखें, ये चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। और इसमें हम तमाम मसाले अब डालेंगे। पानी इसका खुश्क हो गया है चिकन का, अब इसमें हम सारे मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें हमने ज़ीरा डाला है, कुटा हुआ ज़ीरा है ये। और ये साबित धनिया है कुटा हुआ, इसमें हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक 1 tablespoon है। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चें भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो आप और मिर्चें डाल दें इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। हम डालेंगे 1 tablespoon चाट मसाला। तो हम चलाते रहेंगे साथ साथ। अब हम डालेंगे इसके अंदर दही डालेंगे, तकरीबन 1/2 cup के करीब का दही हमारे पास। फिर इसको हम चलाएंगे अच्छी तरह से। इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। फ्लेम इसकी हम मीडियम फ्लेम में कर देंगे इसको। चिकन भी गल गई है हमारी और ये पानी भी इसका खुश्क हो गया है। टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। और हम इस तरह से चमचे की मदद से भी टमाटर को प्रेस करते रहेंगे ताकि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। अब इस पोजीशन में हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डाल के हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो ये मिर्चें हमने डाल दी हैं इसके अंदर। और एक दफ़ा फिर हम इसको चलाएंगे और इसको ढक के बनाएंगे। और फ्लेम जो है इसका लो कर देंगे बिल्कुल। और लो फ्लेम में इसको हम 5 मिनट ढक के बनाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इसको जो हमने दम पे रखा हुआ था इसको हम एक दफ़ा फिर और इसको चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के भी हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें, 5 मिनट
तक का टाइम हमने इसको दम पे रखा था, 5 मिनट हो गए हैं। ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है डिश आउट होने के लिए। तो अब हम इसको सर्व करते हैं, दिखाते हैं इसको, डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और इसको हम इस तरह से सर्व करेंगे। और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम अदरक से और बारीक कटे हुए हरे धनिए से हम इसको गार्निश करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, बिल्कुल बिल्कुल ये ढाबा स्टाइल की कढ़ाई है। और इसमें हम इसको गार्निश करेंगे अदरक से, हमने बारीक कटी हुई अदरक काटी थी, इससे हम इसको गार्निश करेंगे और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी ऊपर से डालेंगे। तो कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी आपको? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमें दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।